तो अभी हम लोग कन्याओं का मुकाबला करवाना चाह रहे हैं। जनरली इन लोगों को कोई भाव नहीं देता है, बट अपन भाव देंगे और इनके साथ गेम खेल करके देखेंगे कि मतलब इन लोग कैसा परफॉर्म करते हैं और इनके साथ गेम खेल के हमें मज़ा आता है कि नहीं। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो कमेंट सेक्शन पे बताना है कि नेक्स्ट मैच किसका किसका होना चाहिए, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पे डिटेलिंग की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग किया हुआ है, मतलब आप पूरा फेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ ये किस मतलब कौन है, वो आप मतलब फेस से पहचान जाओगे। नहीं तो पहले के WWE के गेम में डिवास रेसलर के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस कहाँ किया जाता था। अभी देखो मतलब मैं एकदम फेस में आपको देख करके पता चल जाएगा कि कौन सी रेसलर है, ठीक है। तो अभी टाइम है नाया जैक्स की एंट्री का, और इसमें काफ़ी एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। बट अभी भी हमें बाल के साथ हेयर के साथ कुछ कुछ ग्लिचेस देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके साथ भी डिटेलिंग काफ़ी अच्छा हुई है नाया जैक्स के साथ। तो अब हम लोग मैच को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एंट्री में क्या रखा है यार। अच्छा, मैच होगा बहुत ज़्यादा हार्ड, ऊपर से नाया जैक्स है हैवी वेट। तो हालांकि जिस रेसलर को मैं लिया हूँ उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, बट फिर भी इसे हराना मुश्किल होगा क्योंकि ये ढकेल देगी। बट ये इसे इजीली उठा भी लिए और अपना पावर दिखा रही है स्कॉट मार के, ठीक है। तो मतलब अपने पास भी ऐसे कोई अल्लू खल्लू रेसलर नहीं है, कमाल की रेसलर है अपने पास भी, ठीक है। और इसके पास स्ट्रेंथ काफ़ी गजब का है। तो भी नाया जैक्स की अच्छे से कुटाई हो रही है और उसे मतलब इतने हल्के में उठा ले रही है ये, मतलब जैसे कोई तकिया वकिया उठा रहे हैं अपन वैसा टाइप से। अभी तक नाया जैक्स अच्छे से मार खा रही है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सामने से अटैक क्यों नहीं कर रही है वो, या तो हो सकता है बाद में पेलेगी पकड़ के। अरे गजब का भाई, क्या स्ट्रेंथ है इसकी, गजब का स्ट्रेंथ है। आप भाई अब वो मोटा मोटा पैर से अब इतनी, मैं भूल गया था एक चीज़ आपको बताना, मैं भूल गया, ये नाया जैक्स के अंदर में मैं रेमी स्टूडियो की आत्मा भर दिया हूँ, यानी कि अब वो मतलब इतने भारी भरकम शरीर के साथ रेमी स्टूडियो जैसा फुर्तीला वाला शॉट वो देगी। तो अभी मेरे लिए डबल दिक्कत है, क्योंकि एक तो वो हैवी वेट है और दूसरा वो एकदम फुर्तीली हो चुकी है अभी, मतलब अभी वो आलसी जैसे नहीं खेलेगी। वो उसका वेट तो है अभी हैवी, बट उसके जो शॉट होंगे वो रेमी स्टूडियो के जैसे होंगे, यानी कि फुर्तीले, यानी कि डबल कॉम्बो हो गया उसके साथ में। आप देख सकते हो कितना, मतलब देख रहे हो यार कितना खतरनाक हो गई है नाया जैक्स अभी, मतलब पहले भी खतरनाक थी, देखो मतलब अरे भाई धम धम कूद रही भाई। अरे बाप रे, तू चल रहे बाहर, चल बाहर निकल तू। मतलब भाई नाया जैक्स से लड़ पाना भी मुश्किल है, मेरा सिग्नेचर फुल हो गया। तो अभी अपन देखते हैं कि अपन कमबैक वगैरह कुछ दे पाते हैं क्या। तो अपन कमबैक देने में तो सक्सेसफुल हो गए यार। ये जबरदस्त जबरदस्त शॉट देती है भाई, एकदम गजब का। मतलब कई फीमेल रेसलर एकदम फालतू फालतू शॉट देते हैं ऐसे झापड़ वापड़ वाला, बट इसके केस में अलग है ये, मतलब ना फीमेल की ब्रॉक लेसनर है। अरे वाह, एक नंबर शॉट। अब चल खड़े हो जा भाई, अपन देंगे तेरे को फिनिशर। हो गया भाई, वो खड़ी हो गई, चल अब देखते हैं शॉट कनेक्ट होता है कि नहीं। और शॉट सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, अब मैं इसे पिन करके देखता हूँ। फर्स्ट टाइम में पिन हो जाए तो एक चमत्कार ही होगा वो। देखो जैसे कि मेरे को पता था फर्स्ट टाइम में पिन नहीं होने वाली है, क्योंकि मैच होगा काफ़ी डिफ़िकल्ट और ऊपर से उसके अंदर में रेमी स्टूडियो की आत्मा घुसी हुई है। बट अपन भी उस, अपन अगर उसे शॉट देने देंगे ना तो वो पेल देगी पकड़ के, इसलिए अपने को संभल संभल के खेलना है, क्योंकि अभी वो फुर्तीली हो चुकी है बॉस। ये देख लो ये कैसा कैसा शॉट दे रही है, मतलब अपनी पर्सनालिटी से अलग टाइप का शॉट। ये देख लो,
कितना खतरनाक खतरनाक शॉट है अभी, मतलब सिग्नेचर भी देगी तो वो भी बड़ा खतरनाक लगेगा यहाँ पे। तो WWE की यही ब्यूटी है कि हम किसी भी रेसलर से कुछ भी करवा सकते हैं गेम में। तो अभी तक तो भाई मेरी कुटाई हो गई, अभी बढ़िया पकड़ के पेलेगी भाई अभी। पर अपन भी कम नहीं है बॉस, अपन उसका सिग्नेचर तोड़ दिए हैं और तू चल ऊपर। ये बढ़िया स्क्वाट कर लेती है, इतने भारी भरकम लोग को भी उठा करके, भले हाफ स्क्वाट है बट चलता है। अरे तेरी, बज गया भाई, बज गया बज गया, नहीं तो कैसे टाइप का शॉट कनेक्ट होने वाला था। ये सिग्नेचर भाई, मेरा सिग्नेचर टूट गया यार, गंदी बेइज्जती हो गई। अरे वाह, तो मेरे पास आ चुका है फिनिशर और मैं इसे एक बार फिनिशर पकड़ाने की कोशिश करूँगा। अरे बाप रे, ये क्या स्ट्रेंथ का प्रदर्शन, गजब का। तो एक बार मैं फिर वॉर वेकअप टॉन्ट देता हूँ और फिनिशर से देखते हैं कि आउट होती है क्या। तोड़ दी क्या भाई? लो बेटा, मेरे को नया जैक से यही उम्मीद था कि वो शॉट को तोड़ देगी और ऊपर से इसके अंदर में घुसा है रेमी स्टूडियो का आत्मा। बट अपन भी कम नहीं है, अपन भी तोड़ देते हैं शॉट को। अरे भाई कितनी जटिल है ये। ये क्या करने वाली है? अरे बाप रे, फ्रॉग स्प्लैश, बहुत खतरनाक शॉट है। अरे बाप रे, बच गया भाई बच गया, इतने भारी भरकम शरीर के साथ फ्रॉग स्प्लैश। बच गया मैं, अरे एडी गेरेरो की आत्मा भी है क्या इसके अंदर में? अरे बस कर भाई, दो दो फिनिशर आ गए उसके पास। टूट गया, अभी तेरी क्या गंदा शॉट था ये। भाई इसका ठेकली फोड़ दी भाई वो, ऐसा कर करके। ये शायद फिनिशर देने के उसमें है फिराक में, बट अब फिनिशर देखते हैं अपन चिपका पाते हैं क्या। फिनिशर इसे हम चिपका चुके हैं फाइनली, बट मेरा दिल यहाँ पे नहीं भरा, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सिग्नेचर भी दूँ। ये इसका हुआ सिग्नेचर, गजब का सिग्नेचर। अब हम इसे देंगे एक बार और फिनिशर, चल खड़े हो जा भाई और तेरा काम होने वाला है यहाँ पे ख़त्म। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं फिनिशर और तोड़े बस मत भाई ये। और यहाँ पे हुआ नया जैक्स का खात्मा और अभी तक पिन हो जानी चाहिए भाई, क्योंकि इतना सारा शॉट इसे दे चुका हूँ। 2 3। तो वीडियो पे अगर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, और इसमें देख सकते हो यार कि कितना अच्छा स्वेटिंग की भी डिटेलिंग कितना मस्त की है, कि मतलब जैसे जैसे हम लोग मैच लड़ते जा रहे हैं इनमें स्वेटिंग भी हो रही है, तो इससे कितना रियल लगता है गेम।
मतलब कितना गजब की डिटेलिंग की गई है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के डेवलपर को हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, और डेवलपर को सपोर्ट करोगे तो मुझे भी कर ही देना भाई। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया, ओके बाय बाय। एंड कमेंट सेक्शन पे बताना कि और किसका किसका मैच चाहिए।